हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सर्कल समितियों के पदाधिकारियों के साथ चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की। नगर परिषद कुल्लू में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत और पार्षदों की टीम के साथ चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की, जिसमें पूरे शहर के 11 वार्डों में कांग्रेस सर्कल कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और विधानसभा चुनावों में कुल्लू सदर से सुंदर सिंह ठाकुर की जीत हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर रणनीति तैयार की है। वहीं भाजपा से रुष्ट पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी दौरान कुल्लू में भाजपा को झटका लगा है, जहां भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी कुल्लू राजेंद्र चौधरी ने सुंदर सिंह ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले लंबे समय से भाजपा की अनदेखी के चलते राजेंद्र चौधरी ने भाजपा को अलविदा कहा। इस दौरान पूर्व सैनिक भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में समस्त 16 सर्कल के कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की टीम के साथ सामंजस्य स्थापित कर युवा, महिला, बुजुर्ग सभी मतदाताओं के बीच जाकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो पुराने फॉरेस्ट के अधिकारी थे हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ जो सेवानिवृत्त होकर फौज से लोग वो जुड़े हैं। कुछ भाजपा के कर्मठ गांव में कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे प्रमुख तौर पे हमारे पास जो भाजपा मीडिया के प्रभारी रहे राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने स्वेच्छा से पिछले कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। आज मेरे घर आकर उन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस के हमारे परिवार में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत ही समर्पित व्यक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में जो है सिर्फ जो मौका प्रस्त लोगों को ही वहां पे जो है तरजीह दी जाती है, जो समर्पित व्यक्ति है उसको वहां पे कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। इस वजह से राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा अच्छे वो कार्यकर्ता है। उनके जुड़ने से हमें बहुत लाभ कुल्लू शहर में और अपने जट बूटी कॉलोनी और पूरे समुचे क्षेत्र में मिलेगा। सारे जैसे हम बूथ पे जाएंगे, पहले भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी आप देखिए कुल्लू शहर में जो पूर्व में पार्षद रहे गोपी जी, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और वैसे बहुत सारे टीम हैं जो रोज़ हमारे साथ जुड़ रही है। ऐसे में हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। मेरे अपने कुल्लू विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता पूरी 5 साल से ही जनता से संपर्क में है। बेशक वो हमारा जो है, वैसे हमने महिला मंडल, युवा मंडल, बूथ कमेटियां है। कोरोना काल में तो मेरे बूथ कमेटियों ने बहुत अच्छा काम किया। हर घर गए जो है, वह हमारे सैनिटाइज़र, मास्क और उसके साथ में थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर लेकर हर बूथ पे, हर घर पे पहुंचे हैं और सबकी टेस्टिंग उन्होंने वहाँ पर की है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में जब हम बुरे वक्त में मेरा एक कार्यकर्ता हर घर पहुंचा है, तो अब जबकि कोरोना काल समाप्त हो गया है, ऐसे में अब पार्टी के जो चुनाव प्रचार के लिए भी उन्हें बहुत आसानी होगी कि वो लोगों के संपर्क में बुरे वक्त में रहे, तो अब मेरे प्रचार के लिए भी वो आगे लोगों के बीच में जाएंगे।